वहां के लोग वहां के लोग यहां आते हैं, सोना नहीं, चांदी नहीं, नोट नहीं, सिर्फ हीरे ले जाते हैं। ये सब बकवास। शाबी शीन ताना अर्था, शीन ताना अर्था काशाबी, काशाबी। इंडिया भारता, इंडिया भारता काशाबी, काशाबी। स्टैंड बाय, स्टैंड बाय से दीनदयाल। अपने तमाम हीरे तैयार रखो, आज रात के ठीक 12 बजे हम वहां के लोग उस सितारे से जिसे तुम लोग मार्स या मंगल कहते हो आएंगे और हीरे लेकर वापस चले जाएंगे। पुलिस को खबर करने का वही हश्र होगा जो तुमसे पहले और भी इंसानों का हो चुका है। होगा नहीं तो फिर क्या करोगे? अपनी उम्र भर की कमाई वहां के लोगों के हवाले कर दोगे? नहीं नहीं नहीं, तो फिर क्या करूं? पुलिस को फोन करूं? यही ठीक होगा। हेलो, मैं दीनदयाल बोल रहा हूं, 25 करोल बाग दिल्ली। वहां के लोग आज रात के 12 बजे। हाँ हाँ, वहां के लोग, वहां के लोग। सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन पुलिस के आदमी अभी तक कोई नहीं आया। जी, मैंने अपने सारे हीरे निकाल कर अपने सामने रख लिए। वो आएंगे तो हीरे उन्हें दे दूंगा। जी, हीरों से ज्यादा मुझे अपनी जान प्यारी है। कौन हो तुम? तुम वहां के लोग? बोलो वरना गोली मार दूंगा। घबराइए नहीं सेठ साहब, मेरा नाम सेना है, मैं साइंसदान हूँ। पुलिस ने मुझे यहाँ भेजा। आपको क्यों भेजा? पुलिस क्यों नहीं आई? आप यहाँ क्या करेंगे? मैं आपके पास रहूंगा। पुलिस चारों तरफ आपके बंगले की हिफाजत कर रही है। मेरा इशारा पाते ही वो लोग फौरन यहाँ चले आएंगे। ठीक है, तशरीफ रखिए। परेशान होने की कोई बात नहीं, ये सब फ्रॉड है। मंगल सितारे से वहां के लोग ना कभी आए हैं और ना कभी आएंगे। वो देखिए क्या, वो चमकती हुई चीज क्या? ये वही चीज थी जिसे आप लोग फ्लाइंग सॉसर या उड़न तश्तरी कहते हैं। कौन हो तुम? मैं वहां के लोगों की एजेंट हूँ और वो लोग आ चुके हैं। वो लोग आ चुके हैं? डरिए मत मिस्टर सिन्हा, आप साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्टों की वहां के लोगों को बहुत जरूरत है। चलिए चलिए। आपने हमारे वार्निंग के बावजूद पुलिस को खबर की थी। नो नो नो, इट इज ऑल नॉनसेंस। मार्स यानी मंगल सितारे के लोग फ्लाइंग सासर में बैठकर यहां आते और हीरे लेकर गायब हो जाते। आज की दुनिया का कोई भी समझदार आदमी इन बातों पर यकीन नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग सिर्फ हीरे क्यों ले जाते हैं? इसलिए कि वो हीरों के स्मगलर हैं। और हमारे साइंसदान क्यों गायब होते हैं? इसीलिए कि उनका चीफ यहाँ का कोई बहुत बड़ा साइंसदान, जरूर उसकी कोई लेबोरेटरी भी होगी। और फिर जो कुछ होता है हिंदुस्तान में होता है, दुनिया भर में कहीं नहीं। वाई जस्ट अ मिनट, देयर हैड बीन लॉट्स ऑफ साइटिंग ओवर यूरोप एंड अमेरिका of unidentified objects. Any landings? Of course not. Then. Excuse me, sir. New killer expert की रिपोर्ट के मुताबिक सेठ दीनदयाल की मौत मिजरे से हुई। ये वही मिजरे है जिसका फार्मूला बॉम्बे के मशहूर साइंटिस्ट प्रोफेसर चक्रवर्ती ने इजाद किया। Yes, sir. What about the fingerprints? कुछ अजीब से निशान है। 5 उंगलियों के बजाय 3 उंगलियों के निशान है, जो न तो किसी जानवर के हो सकते हैं न किसी इंसान के। तुम्हारा मतलब है कि वहां के लोगों के? इम्पॉसिबल, मिस लीली। यस सर। फौरन अपने एजेंट मिस्टर विजय को कांटेक्ट करो। कॉल हिम हियर। ऑलराइट सर।
तुम नहीं जानते विजय, हमारे सिंडिकेट का कोई भी मेंबर कहीं भी हो, जो कुछ कहता है चीफ सब सुन लेता है, और अगर उसने सुन लिया तो हम दोनों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अनीता, तुम्हें सिर्फ इतना बता दो, तुम्हारा चीफ कौन है? इसे मत हाथ लगाओ विजय, ये हमारे सिंडिकेट का निशान है। अनीता, बात बदलने की कोशिश मत करो। तो ठीक है, तुम नहीं चाहते कि हम दोनों में से कोई जिंदा रहे, तो सुनो, हमारे चीफ का नाम अनिल है। अनिल, बॉम्बे के मशहूर साइंटिस्ट प्रोफेसर चक्रवर्ती का बेटा? हाँ, बम्बई के पास उसका एक जजीरा है, वही उसकी खुफिया लेबोरेटरी है। और वहाँ के लोग? वहाँ के लोग वो भी वहाँ आते हैं। बस विजय, अब मैं चलती हूँ, चीफ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बस अनिल, एक और ऑफिसर खत्म हो गया। साइंस ने हर काम इतना आसान कर दिया है मिस मार्गरेट, कि यहाँ बैठे बैठे सब कुछ सुन लिया, कार में बॉम्ब रख दिया और यहाँ रिमोट कंट्रोल से गाड़ी उड़ा दी। साइंस का करिश्मा, मेरी 12 साल की रिसर्च का नतीजा। ये ब्रेसलेट और ये नेकलेस। बस मिस मार्गरेट, इन्हें हमारे सिंडिकेट का हर मेंबर निशान समझकर पहनता है, लेकिन दरअसल मैंने इन सबके अंदर एक छोटा सा माइक्रो ट्रांसमीटर फिट कर रखा है, ये देखो। ओह वंडरफुल। इस माइक्रो ट्रांसमीटर के जरिए उनकी हर आवाज इन टेप्स के ऊपर रिकॉर्ड होती रहती है, मैं जब चाहता हूं सुन लेता हूं। कम ये वही चीज थी जिसे आप लोग फ्लाइंग सॉसर या उड़न तश्तरी कहते हैं। कौन हो तुम? मैं वहाँ के लोगों की एजेंट हूँ और वो लोग आ चुके हैं। वो लोग आ चुके हैं? तो देख लिया तुमने, तब तो ये नेकलेस मुझे भी पहनना चाहिए। नहीं मार्गरेट, मुझे तुम पर भरोसा है। सिर्फ भरोसा? ऑडियंस सर, नंबर 7 रिपोर्टिंग। सेंड हर इन। लाइट्स। वेलकम नंबर 7, अपना नेकलेस वापस कर दो। जी। तुमने सिंडिकेट के साथ गद्दारी की। जी। इंस्पेक्टर विजय खत्म हो चुका है और वो दूसरी दुनिया में तुम्हारा बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा है। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम देश और कौम के दुश्मन हो, तुम वहां के लोगों के एजेंट हो, मैं आज तुमको। आप तो माफिया सिंडिकेट से भी दो कदम आगे बढ़ गए हैं। Ours is not a gang of looters and shooters. हमारा मकसद बहुत बड़ा है, वहां के लोगों की मदद से हमें सारी दुनिया पर कब्जा करना है। बड़े बड़े साइंसदान जिनको मैंने दुनिया के हर कोने से चुन चुन कर अपनी एटॉमिक लेबोरेटरी में रखा है, वो दिन रात एक करके एक ऐसी सुपर मीजरे तैयार करने में लगे हुए हैं कि जिसकी मदद से सारी दुनिया को अपाहिज करके अपने कदमों में डाला जा सकता है। Audience, sir. Number 1 reporting. Okay. Send her in. Please go in. Nail sets ready, sir. Thank you. ये एक यहाँ रहने दो, बाकी सब अपने members को बांट दो. Okay, sir. Miss Margaret, I'll show you something. ये मैग्नीफाइंग ग्लास है और जरा देखिए, ये है सेंट्रल इंटेलिजेंस का काबिल तरीन ऑफिसर राकेश, देखने में बहुत ही खूबसूरत लेकिन निहायत ही डेंजरस एजेंट। मेरी सुपर मीजर तैयार होने से पहले राकेश का खत्म होना जरूरी है। ही मस्ट डाई।
प्यारा 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 चंदा, ये गोल 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 धरती, वहां के लोग हीरे, यहां के लोग मोती, चिबच्चे चिबाबा, चिबच्चे चिबाबा, चिबच्चे बा, चिबच्चे बा, चिबच्चे चिबच्चे बाबड़ी बुबड़ी बा, चिबच्चे चिबाबा। जमीन के आकाश के वो तारे, दोनों से इश्क अपना, दोनों हैं हमको प्यारे। परियों की एक महफिल है अपने दिल की नगरी, दोनों जगह के दिलबर हैं मस्त और मौजी, ओ प्यारा 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 चंदा, ये गोल 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 धरती, वहां के लोग हीरे, यहां के लोग मोती, चिबच्चे चिबाबा, चिबच्चे चिबाबा, चिबच्चे बा, चिबच्चे बा, चिबच्चे चिबच्चे बाबी बुबी बा। Sorry, sir. Come in, Mr. Rakesh. मैंने ये बनावटी नाखूनों का सेट मंगवाया था, देख रहा हूं कि कैसे फिट होते हैं। जी। You can go now. Sit down, Mr. Rakesh. Thank you, sir. विजय की जली हुई डायरी में भी बनावटी नाखूनों का जिक्र था, आखिर इन बनावटी नाखूनों से वहां के लोगों का क्या ताल्लुक? That's a mystery yet to be solved, sir. Anyway, तुम्हें फौरन ही बंबई जाना होगा। बॉम्बे के प्रोफेसर चक्रवर्ती ने एक ऐसी चीज बनाई है जिसके जरिए वहां के लोगों की असलियत हमारे सामने आ जाएगी, इसीलिए वो फौरन ही तुमसे मिलना चाहते। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं ताकि जल्द से जल्द पता चले कि वहां के लोगों का रैकेट क्या है। हाँ, तुम्हारा फाउंटेन पेन तैयार हो गया, आम पेनों की तरह लिखता है, ये देखो। अगर इसे यूं घुमा दें तो दिखने में कुछ नहीं लिखता मगर लिखता है। अगर कोई भी खुफिया बात लिखनी हो तो इस तरह लिखकर भेज दो, हम पढ़ लेंगे। देखो,
वेरी गुड। वेट, अभी एक चीज और बाकी है। वो क्या? वो फ्लावर वास देख रहे हैं? इश्यूज़ ऑल राइट, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही गोली आती है, यानी कि इसे उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब कोई और चारा ना हो। दैट्स राइट। बॉम्बे के किंग्स होटल में प्रिंस रणबीर के नाम से सूट बुक कर दिया गया। अच्छा, तुम इसी नाम से बाहर आओगे। राइट सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। पीछे मुड़कर मत देखिए और गाड़ी चलाते रहिए। लेकिन आप हैं कौन? आपके दिल की धड़कन और आपके ख्वाबों की ताबीर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन मेरे ख्वाबों की ताबीर मेरे पीछे रिवॉल्वर लिए क्यों बैठी है? डर गए? कैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं आप? हुजूर, मेरे हाथ में रिवॉल्वर नहीं, ये फाउंटेन पेन है। नहीं, मैं आपका पसीना पोंछ दूं। गाड़ी रोकने का मतलब? अपने दिल की धड़कन को जरा नजदीक से सुनना चाहता हूँ। दिल की धड़कन कभी दिल से दूर हुई है राकेश बाबू? आप तो मेरा नाम भी जानती हैं। जिनका जन्म जन्म का साथ हो वो नाम के अलावा और भी बहुत कुछ जानते हैं। जन्म जन्म के साथी से जिंदगी में आज पहली बार मुलाकात हुई, वरना आज तक तो जो भी लड़की मिली हो जासूस मिली। अरे आप कहाँ गई? यहाँ। यहाँ कहाँ? इधर देखिए। अरे भाई, मैं तो चारों तरफ देख रहा हूँ मगर आप नजर नहीं आती। आवाज तो सुन रहे हो? आवाज क्या हो रहा है? इसको टेस्ट कर रहा हूं, साइंस का नया कमाल। देखने में तो कम सुनने वालों की मशीन मालूम होती है, लेकिन दीवार में लगाओ तो पड़ोस के कमरे की बात सुन लो। तुम्हारी शादी की बात हो रही है, सुनो। क्या बात करती हूँ चंपा, राकेश मेरी बात कभी नहीं टालेगा। बचपन में ही उसकी सरिता से मंगनी हो चुकी है, मैं सेठ जी को वचन दे चुकी हूँ। अरे हाँ, वाकई चीज बड़ी काम की है। अच्छा, इस वक्त तुम मेरे साथ आओ, जरूरी बात करनी है। हाँ, कहो क्या बात है। बड़ी, आज मुझे गाड़ी में एक निहायत खूबसूरत लड़की मिली थी मगर अचानक गायब हो गई। कोई खास बात नहीं हुई, तू वहाँ के लोगों के पीछे लगोगे तो खूबसूरत लड़कियाँ तुम्हारे पीछे लगेंगी। कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं, मगर बम्बई का चक्कर जरूर है। बम्बई कब? आज। क्यों? मैं भी जा रहा हूँ एक क्लाइंट के सिलसिले में। अच्छा, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे बम्बई में। He developed 11.75 into 10 to the power 11 British thermal units per pound mole. Mm-hmm.
Got it. My machine is ready. मेरी मशीन तैयार हो गई। अब वहां के लोगों की असलियत हमारे सामने आ जाएगी। इस मशीन की मदद से हम उनकी लेबोरेटरी तक पहुंच जाएंगे, जहां यहीं का कोई पागल साइंसदान इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। आग से खेलने की तो आप कोशिश कर रहे हैं डैडी। कौन? अनिल, तुम कब आए? ये भी अच्छा ही हुआ डैडी कि मैं ठीक वक्त पर पहुंच गया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूं कि आप ऐसे काम न करें जिनसे आपकी जान को खतरा। और दुनिया को जो खतरा है उसे जानते हो? तुम्हें मालूम है कि वो पागल साइंसदान मेरे मिजररे के फॉर्मूले पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिससे सारी दुनिया को घड़ी भर में अपाहज बना के खत्म किया जा सकता है। मैं सब जानता हूं डैडी, इसीलिए आपको रोकता हूं कि आप उस पागल साइंसदान से टक्कर न लें। वो अकेला नहीं है, उसे वहां के लोगों की मदद हासिल है। और इसीलिए आपकी जो मशीन, अनिल, अनिल आपका बेटा है डैडी, और बेटा होने के नाते आपको आगाह करना मेरा फर्ज है। आपने जो ये मशीन इजाद की है, ये मशीन आपकी मौत का बायस भी हो सकती है, इसलिए डैडी आपको बचाने के लिए इस मशीन को खत्म करना जरूरी है। अनिल! निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। साइंस का दामन छोड़ के औरत और आवारगी का दामन थामने वाले बुजदिल, तू मेरी जिंदगी भर की मेहनत को मिट्टी में मिला देना चाहता था। गेट आउट, आई से गेट आउट। साथ आइए। क्या बात? वो दो आदमी आपका पीछा कर रहे हैं, खबरदार रहिए। आपकी तारीफ? फ्रेंड। फ्रेंड? CID। योर पेपर्स? ए फ्रेंड इंडीड, हां? सॉरी ऑफिसर, बात ये थी कि फिक्र मत कीजिए, हमने सब देख लिया है। आप तशरीफ ले जाइए, इसे हम ले जाते हैं। आज इस गैंग का पहला जिंदा आदमी हमारे हाथ लगा है। थैंक यू। यहाँ भी मौजूद है। हाय प्रिंस रणवीर सिंह। आप यहाँ कैसे? आइए मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दूँ। मंजिल पर तो आपने अभी पहुँचा दिया होता। डर गए? देखा नहीं मैं कितनी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ। जा चलिए आइए ना। चलिए लो उठाओ। लेकिन आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? मैं मरना नहीं चाहता। इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, मुंह में रखते ही नींद सी आने लगेगी और तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। हमेशा के लिए? नहीं। राकेश सर साहब की मुलाकात होनी नहीं चाहिए, वरना मुमकिन है
प्रोफेसर साहब की इजाद की हुई मशीन के जरिए। तुम बेफिक्र रहो मार्गरेट, राकेश और डैडी की मुलाकात अब कभी नहीं होगी। अब तो मुझे यकीन हो गया मिस्टर जॉन कि मेरे बारे में कोई सीक्रेट नहीं। दिल्ली में एक लड़की मिली, उसे मालूम था कि मेरा नाम राकेश है। अब वही लड़की यहाँ बम्बई में मिली, उसे ये भी मालूम था कि मेरा नाम प्रिंस रणवीर सिंह है। और मजे की बात तो यह है कि प्लेन से उतरते ही मुझ पर हमला हुआ। वो जिसने हमला किया वो उन्हीं का आदमी, और वो जो दो आदमी उसको लेकर गए हाँ, वो भी उन्हीं के आदमी थे। नो ओ यस, वो दोनों उसको मारकर जंगल में फेंक गए, लाश हमें मिल चुकी है। माय गॉड, आप कहां तक पहुंचे? आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैं प्रोफेसर चक्रवर्ती की लेबोरेटरी पर वॉच कर रही थी। किसी पर शक है? हाँ, प्रोफेसर के बेटे अनिल पर, यह है उनका डोजियर। हाँ, सूरत प्रोफेसर से काफी मिलती है। यहाँ से 10 मील दूर वेस्ट पर उनका एक अपना आइलैंड है, वही उनका बंगला है और स्विमिंग पूल भी। मैं उनके स्विमिंग क्लब की मेंबर बन चुकी हूँ। जरा बच के रमी कुड़िए, वो दे स्विमिंग पूल के बीच हर महीने एक कुड़ी डूब जाती है। रणवीर सिंह भाई, आप तशरीफ ले आए। वेरी गुड वेरी गुड, मैं तो आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आप कहें तो मैं अभी हाजिर हो जाऊं। अभी नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे आपसे कुछ खास बातें करनी है। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे तन्हाई में मिलें। मेरा ख्याल है कि आप 9 बजे यहां तशरीफ ले आइए, उस वक्त यहां कोई भी नहीं होगा। दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। देर मत कीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। बाय। शहजादे के मुकाबले में मुझे अपने आप को कनीज कहना चाहिए। वैसे मेरा नाम सोफिया है, आपके पास वाले कमरे में रहती हूँ। आपका नंबर 14 है और मेरा 15। इन दोनों कमरों के बीच में एक दरवाजा भी है, उस तरफ। मुलाकात होगी ना? जरूर होगी। शुक्रिया। मुलाकात होगी और जरूर होगी। क्या तकदीर पाई है भाई ने, इधर कदम रखा नहीं तो उधर कनीज हाजिर। जी क्या फरमाया? चुप, नो सवाल। Yeah.
जाओगी बचकर आप? इतनी बेकरारी जी? हम दोनों पड़ोसी है प्रिंस। हाँ, हम दोनों के दरमियान दीवार जरूर है, लेकिन उस दीवार में दरवाजा भी है। दरवाजा? कनीज अगर अपने प्रिंस चार्मिंग का जरा सा इशारा पाए तो
तो हजारों दीवारें फांदकर, हजारों दरवाजे तोड़कर आ सकती हैं। आप मुझे गलत समझ रही हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस। आपको प्रोफेसर साहब ने याद किया है। हाय सी। मैं आपके लिए गाड़ी लेके आया। वेरी गुड। प्रोफेसर, मेरा एक दोस्त है, देखा मैं अपने अपॉइंटमेंट भूल गया। कम फॉलो मी। क्या हुआ ड्रा? इंजन में कुछ खराबी। एक्सक्यूज मी सर। एक बड़ा सा पत्थर लाओ, इनको बांधकर पानी में फेंक दो। जान बचाने का ये सिला? जान गोली चलाकर बचाना चाहते थे। गोली? रिवॉल्वर को खोल के देखो, इसमें सब खाली कारतूस है। सीट। भाई मैं यहां से गुजर रहा था, मैंने गड़बड़ देखी और एक हवाई फेर चला दिया, बदमाश भाग गए और तुम्हारी जान बच गई। थैंक्स। देखो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, जहां आपको जाना हो मैं आपको छोड़ देता हूं। गाड़ी? हाँ। जी नहीं शुक्रिया, इस वक्त मुझे गाड़ी की नहीं ताजी हवा की जरूरत है और मौसम भी बहुत अच्छा है। सलाम। सलाम। हेलो हेलो, कौन? प्रिंस। अरे भाई मैं 9 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम अभी तक फोन ही कर रहे हो। हाँ हाँ, फौरन तशरीफ ले आइए, मुमकिन है हमें आज ही रात को रेट करना पड़े। रेट? रेट कहा? यहीं कहीं नजदीक ही भाई, वो मेरी मशीन तैयार हो चुकी है और वो ही गाइड करेगी और मुझे यकीन है कि हम उस मशीन की मदद से जरूर उनकी सीक्रेट लेबोरेटरी तक पहुंच जाएंगे। ये तो गोली चलने की आवाज थी। प्रोफेसर, प्रोफेसर, आपके सर में शायद गोली लग गई हो। गोली? मामूली सा जख्म है, गोली सर से छूती हुई चली गई है। माय मशीन, माय मशीन। मेरी मशीन खत्म हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। प्रोफेसर, सारी दुनिया। स्टैंड बाय प्रोफेसर चक्रवर्ती, हमारे रास्ते की रुकावट मत बनो, हमारे कामों में दखल मत दो, वरना जो हश्र तुम्हारी मशीन का हुआ
वही तुम्हारा होगा और वही उस सितारे का जिसे तुम जमीन कहते हो। ओवर। डैड, मगर ये दीवार पर लगता कैसे है? मैं हैरान हूं कि ये उड़ता हुआ आकर दीवार पर चिपक कैसे जाता है। सम सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और रिमोट कंट्रोल। जब वहां के लोग इसे डीमैग्नेटाइज कर देते हैं तो ये डेड हो जाता है और गिर जाता है। वहां के लोग? तो क्या आपका ये ख्याल है कि ये आवाज मार्स वालों की थी? मार्स वालों की भी हो सकती है और ये भी मुमकिन हो सकता है कि उनकी आवाज उनके साथ ही यहीं की लेबोरेटरी से रिले कर रहे हूँ। प्रोफेसर, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि वहां के लोग मार्स के लोग हैं जो फ्लाइंग सॉसर में बैठकर यहां आते हैं और हीरे लेकर चले जाते हैं? Have a cigar. No thanks. Tell me, Professor, do you believe this? सुनो राकेश, बात यह है कि अपने सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट मार्स है, ये मानते हो? राइट। और मार्स पर लाइफ है, ये भी मानते हो? ये भी मानता हूं, मगर लाइफ कैसी है? वहां हमारी तरह इंसान रहते हैं या नहीं, ये अब तक साबित नहीं हुआ। लेकिन ये भी साबित नहीं हुआ कि वहां इंसान नहीं रहते हैं। प्रोफेसर, आप कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर राकेश, अफसोस यह है कि मेरी मशीन खत्म हो गई है, वरना अगर आज आप ठीक वक्त पर आ जाते तो मैं इसी मशीन की मदद से आपको उनकी लेबोरेटरी में ले जाकर खड़ा कर देता, जहां फ्लाइंग सॉसर्स आती हैं, वहां के लोग आते हैं और जहां हमारे ही साइंसदानों के जरिए हमारी बर्बादी की तैयारी हो रही है। हेलो, हेलो, क्या हुआ? मिस्टर दास और मिस्टर गुप्ता घर नहीं पहुंचे? माई गॉड, व्हाट हैपेंड प्रोफेसर? ये लीजिए, मेरे आखिरी दोनों साइंसदान भी वहां पहुंच गए। फ्लाइट नंबर B7 टचेस द प्लैनेट सो कॉल्ड आर्था। हमारे लिए काम करने वाले जमीन के सारे साइंसदान स्टैंड बाय। हमारा चीफ एजेंट अनिल चक्रवर्ती। अच्छा, तो ये है इनका चीफ। तो आज समझ में आया कि ये सब तुम्हारा फ्रॉड है। फ्रॉड? मैं तुम्हारे इस फ्रॉड में शामिल होने से इनकार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ काम नहीं करता, चाहे तुम मुझे। मिस्टर संतोष, यहाँ जो कुछ होता है मेरे लिए नहीं, वहाँ के लोगों के लिए होता है। तुमको नहीं मानता। शट अप। हीरे दे दिए जाए। ये वहां के लोग नहीं है, ये यहीं के लोग हैं, तुम्हारे गैंगस्टर बदमाश है, हीरो के स्मगलर है। मैडम, हाथ देखना मेरा प्रोफेशन नहीं, अभी है। My God, तुम्हें तो राहुल ने चक्कर दे रखा है। राहुल? लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ये कन्या का घर है, ये गुरु इस ताक में है कि कब मौका मिले और कब कन्या के घर में घुसे। क्या मतलब? मतलब ये कि राहुल से छुटकारा पाने के लिए कन्या के घर में गुरु का प्रवेश जरूरी है। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लाइए छोड़िए। आप बैठिए तो सही, घबराइए मत। अभी मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के बाद बारीक से बारीक रेखा देख लूंगा। ये तरीका है, नाखून के जरिए फोटोग्राफ्स और खबरें भेजी जाती हैं।
नमस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रोफेसर चक्रवर्ती मर चुके हैं और Are you all right? जी, कुछ नहीं, मैं फिर आऊंगी। अजीब बात है, ये लड़की आपको जिंदा देखकर डर क्यों गई? इसने मुझे गोली खाकर गिरते हुए देखा होगा तो भूत समझ कर डर गई। लेकिन ये लड़की मेरी लेबोरेटरी में क्या कर रही थी? आई सी, ये आपकी तरफ से मुझ पर वॉच रख रही होगी, हैं? क्यों है ना? शायद मेरी मेरे फॉर्मूलों की हिफाजत के लिए। गुड, वेरी गुड, आई शुड टेक लीव। मैंने अभी अभी सोफिया के कमरे से एक आदमी को भारी आवाज में कहते सुना कि इस लड़की को अपना राज मालूम हो गया है, इसको स्विमिंग पूल पे खत्म कर देना चाहिए। जरूर अपनी इसी लड़की के बारे में था, फिर तो उसको बचाना हमारा फर्ज हो गया। लेकिन स्विमिंग पूल है कहाँ? मुझे मालूम है। चलो चलो इसे। ये लड़की पुलिस की एजेंट थी, इसीलिए खत्म कर दिया। सॉरी बेटी, पहुंचने में जरा देर हो गई। लेकिन एक बात तो साबित हो गई ना कि ये अनिल है वही बदमाश। अनिल के खुफिया लेबोरेटरी का पता लगाना है, वो कहीं जरूर इसी जजीरे में है। ये चक्कर क्या घूम रहा है? चक्कर नहीं, रेडर है। आवाज सुन रहे बड़े भाई? अरे, इस रेडर के जरिए उन्हें हमारा पता चल गया है। तो कोई भी नहीं, ये रहे परेशान, फॉलो मी। Thank you.
एक्सक्यूज मी। यस। आपको पार्टनर की जरूरत थी ना? कम ऑन। शुक्र है आज तुम मेरे हाथों में आ गई। हाथों में तो सिर्फ मेरे हाथ आए हैं, मैं नहीं। आज मैं तुम्हारे शायरी में उलझने वाला नहीं। जब तक तुम अपने बारे में सब कुछ नहीं बताओगी मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। तब तुम्हें हरगिज नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि बताते ही आप मुझे छोड़ देंगे। प्रिंस, प्रिंस, मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलाना चाहती हूँ। अनिल चक्रवर्ती, बहुत बड़े साइंटिस्ट और एक जिंदा दिल दोस्त, प्रिंस रणवीर सिंह। प्रिंस, हम शायद पहले भी मिल चुके हैं। आपने मेरी जान बचाई और आपने anyway, very pleased to see you. Same here. Well, let's arrange for dinner. Yes. Excuse me. मैं अभी हाजिर होता हूँ। चल बाहर निकल। बड़े भाई, ना तो तुम्हारी गैर हाजिरी में कोई तुम्हारे कमरे में आया और ना ही पड़ोस के कमरे से कोई आवाज सुनाई दी। मुर्गा बन के दड़बे में बैठना भारी पड़ गया। क्यों बड़े भाई, आज फिर उस लड़की ने चक्कर दे दिया क्या? तुम्हें कैसे मालूम? एजेंसी क्या हुई फिर? और क्या मालूम है? सब कुछ। क्या पता? देश सेवा फ्री में हो सकती है, जनता सेवा फ्री में नहीं। 100 का नोट निकालो। मजाक छोड़ नीलकंठ। बोलो बर्ड एंड 100 का नोट। समझे समझे, ये साफ क्यों नहीं कहते कि रुपयों की जरूरत है? ये लो। हाँ तो तुम भी ये लो। अरे ये तो वही लड़की है। लड़की नहीं, लड़की का फोटो है। अब इसको सामने रखो और मुर्गा बन जाओ। मैं चलता हूँ। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम दुनिया का फसाना भूल गए। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम दुनिया का फसाना भूल गए। आँखों से तेरी एक जाम पिया, आँखों से तेरी एक जाम पिया, फिर होश में आना भूल गए। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम जब देख ली तेरी मस्त नजर, जब देख ली तेरी मस्त नजर, मैं खाने का रास्ता छोड़ दिया। जुल्फों पे तेरी जब आंख पड़ी, सावन का जमाना भूल गए। आंखों से तेरी एक जाम पिया, आंखों से तेरी एक जाम पिया, फिर होश में आना भूल गए। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम पहुंचा दिया ऐसी मंजिल पे,
कदमों पे तेरे एक सजदा किया फिर सर को उठाना भूल गए आँखों से तेरी एक जाम पिया आँखों से तेरी एक जाम पिया फिर होश में आना भूल गए हम तुझसे मोहब्बत करते सनम आ गए तुम मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे मुझे अपने प्यार पर भरोसा था मगर तुम यहाँ क्यों आ गई यहीं तो रहती हूँ इस खंडर में यही मेरा घर है और वो बुजुर्ग जो कपड़ा बुन रहे थे वो मेरे पिता हैं पिता दिन रात कपड़े बुनते हैं इसी से तो घर का गुजारा चलता है और वो गाड़ी तुम्हारे ये कीमती लिबास ये सब कुछ मेरी एक दौलतमंद सहेली का है ताकि तुम मुझे गरीब समझकर ठुकराना दो तुमने मुझे गलत समझा राकेश मैंने तुमसे प्यार किया तुम अमीर हो या गरीब किसी बड़े खानदान की बेटी हो या किसी कपड़े बुनने वाले की तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी वचन वचन आधी रात गुजर चुकी अब इजाजत चाहती हूँ इजाजत कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी जगह क्यों भाई क्या हो रहा है बैठ माताजी की चिट्ठी पढ़ रहे हो हाँ उन्हीं की चिट्ठी है चक्कर कुछ उल्टा चल पड़ा है बड़े भाई माताजी तुम्हें उस इंग्लैंड वाली लड़की के साथ उलझाना चाहती हैं और तुम यहाँ इस लड़की के साथ उलझ रहे हो और उस लड़की के पिता सेठ द्वारका प्रसाद इंग्लैंड से दिल्ली आ रहे हैं इसीलिए तुम्हें ये सब तुम्हें कैसे मालूम भाई ब्लू बट प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की करामात है तुम तो जानते हो दिल्ली की टॉप डिटेक्टिव एजेंसी है खैर छोड़ो ये बताओ तुमने सोचा क्या सोचना क्या है नीलकंठ ब्लूबर्ड सॉरी ब्लूबर्ड उस लड़की से तो मेरे है तो पैमान भी हो चुके हैं क्या कहा माताजी के वचन का क्या होगा उन्हें समझाना पड़ेगा शादी रुपए पैसों का नहीं दिल का सौदा है ये लड़की गरीब जरूर है लेकिन क्या कहा लड़की गरीब है और नहीं तो क्या अरे भाई कल ही रात उस लड़की से मुलाकात हुई वो अपने बाप के साथ शहर के बाहर एक खंडर में रहती है झूठ लड़की गरीब नहीं वो जरूर किसी बहुत बड़े अमीर की बेटी है बिल्कुल गलत लगाते हो 100-100 रुपए की डन डन चलो अभी चल के देखा चलो आज किसी अच्छे का मुंह देखा है देखा जाएगा आ जाओ
यहाँ रहती है? हाँ अंदर तो चल रही है। एक बार फिर सोच लो बड़े भाई, तुम रात को यहीं आए थे ना? हाँ, क्यों? यहाँ तो दिन को उल्लू बोलते हैं, तो रात को तो। अरे चल तो अंदर से चल। अच्छा तो आगे तुम ही रहो। अच्छी बात है। अजीब बात है यार, कल रात यहाँ उस लड़की का बाप कपड़ा बुन रहा था और आज यहाँ ये मकड़ी का जाला। कल रात कपड़ा बुन रहा था? बड़े भाई यहाँ तो हजारों बरस से कोई आया हुआ मालूम नहीं होता है। वापस निकल चलो। नेवर, आओ मेरे साथ। बड़े बड़े मुंह तो भरे नहीं आवे, महावीर जहाँ नाम सुनावे, भूत भरत निकट नहीं आवे, महावीर जहाँ नाम सुनावे, भूत भरत। क्या बोल रहा है? हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, घर जाकर 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। चलो नहीं, आओ मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। बड़े कौन हो तुम? कौन हो तुम? सलाम भाई साहब, मैं यहाँ का गाइड हूँ। गाइड? जी हाँ, ये खंडर कोई मामूली खंडर नहीं है, दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। पहले यहाँ एक बहुत बड़ा शाही महल था। शाही महल? जी हाँ, वो सामने पत्थर है ना, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है। जी, इस महल में एक खूबसूरत शहजादा रहता था। उस शहजादे का प्यार एक जुलाहे की लड़की से हो गया। क्या कहा? जुलाहे की लड़की से? जी माई बाप, लेकिन दोनों का मिलन नहीं हुआ। बादशाह ने उस ऊंचे बुर्ज पर से उसे नीचे फेंकवा दिया। अब बड़े भाई, कहीं तुम भी तो उसी लड़की से रिश्ता कर गए थे? अरे दिन को थोड़ी दिखाई देती है, वो कभी कभी रात को उसके गाने की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी दिख भी जाया करती है। वैसे रात को 12 बजे वो गायब हो जाती है। लेकिन किसी कुछ कहती नहीं है। हाँ, मेरे बच्चे तो यही खेला करते हैं। ठीक है ठीक है, ये लो और आगे बढ़ो। जी सलाम भाई का। सलाम सलाम। उसको तो पास देके खसका दिया, तुम खसकने का क्या लोगे? तुम मेरे साथ चलो। भाई लोग ठीक कहते हैं कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब किसी इंसान को किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो वो हमेशा उसी के ख्वाब देखता है। Stop it! मैंने कोई ख्वाब आप नहीं देखा। सचमुच कल रात मैं उस लड़की से मिला था, हमारे अहद पैमान भी हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन आप? ये कौन है और अंदर घुसा कैसे? My friend, Mr. Bluebird. Proprietor of private detective agency. मैं चलता हूँ, तेरा बहुत अर्जेंट काम याद आ गया है। Sit down. Sir. वहां के लोगों का अगला हमला दिल्ली में होने वाला। ये देखो, दिल्ली के अखबारों की खबरें। इंग्लैंड से डायमंड किंग सेठ द्वारका प्रसाद दिल्ली तशरीफ ला रहे। सेठ द्वारका प्रसाद? शायद ये तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। अमावस की रात भी नजदीक आ रही है और तुम्हारे प्रोफेसर चक्रवर्ती के साहबजादे अनिल, जिन पर तुम्हें शुबा है, वो भी आजकल दिल्ली में देखे गए। इनके अलावा हमारे पास कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें यकीन हो गया है कि वहां के लोगों की तरफ से इस अमावस की रात को दिल्ली में जरूर कुछ ना कुछ होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर होगा और दिल्ली में ही होगा। क्योंकि मैंने भी इस मशीन पर कुछ ऐसी खबरें सुनी हैं। प्रोफेसर, मैं राकेश से मिलने आया था, आपसे ही मुलाकात होगी, ये भी अच्छा हुआ। ये लीजिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी, मैंने इस मशीन को ठीक कर लिया। अब इस मशीन के जरिए हम वहां के लोगों की हर आवाज सुन सकेंगे और उनका अगला शिकार कौन होगा ये भी हमें मालूम हो जाएगा। मेरे ख्याल में दिल्ली मुझे भी आपके साथ चलना होगा। जरूर चलना चाहिए राकेश, तुम आज की फ्लाइट से फौरन दिल्ली रवाना हो जाओ, हम दोनों तुम्हें वहीं मिलेंगे। राइट सर। आओ प्रोफेसर। माता जी की जय हो। बंबई की हवा अपने को रास नहीं आई, दिल्ली फिर दिल्ली है। आ गए तुम दोनों? माँ पहले 2 कप गरम चाय के इंतजाम हो जाए, साथ में नाश्ता भी। चंपा, इन दोनों के लिए नाश्ता ले आ। बेटा, सरिता भी लाइट से आ गई है। सरिता आ गई है तो आया करे। माँ
मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ बात नहीं करना चाहती, मैं सबसे पहले तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। माँ मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, आजकल मैं इतना परेशान हूँ कि शादी की बात सोच ही नहीं सकता। तुम्हें किस बात की परेशानी है बेटा? तुम यहाँ के? आज तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। बताओ तुम कौन? अरे अरे राकेश, ये क्या कर रहे हो? सरिता के सामने पिस्तौल उठाने खड़े हो? सरिता जी, आपकी मंगेतर। मेरी मंगेतर? मगर वो सब नाटक क्या था? दरअसल बात ये है कि ये तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती थी कि कहीं तुम पैसों के लिए तो इनसे शादी नहीं कर रहे, इसलिए 2000 रुपए महीना देकर ब्लू बर्ड प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की खिदमत हासिल की। हम साये की तरह तुम्हारे पीछे लगे रहे और तुम इम्तिहान में कामयाब। हैंड आने दो। उस खंडर में कपड़े बुनने वाले बुजुर्ग, वो गाइड और वो सब? अब वो सब मेरी एजेंसी के आदमी थे जो भेद बदल बदल कर नाटक कर रहे थे। खैर, गुड लक टू यू एंड बैड लक टू मी। बैड लक क्यों? अरे भाई, 2000 रुपए महाना तनख्वाह बंद, अब नया क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलो मिलकर तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, चलिए। जी हुजूर। सरिता कहाँ? निशी बाबा, वो तो आपके साथ बिलाद में था। क्या बात है, उसे यहाँ आए 2 महीने हो चुके। 2 महीने? देखो तुम राकेश की माता जी को फोन करो। अच्छा हुजूर। अजीब लड़की, बम्बे से मुझे टेलीग्राम किया कि मैं राकेश के साथ दिल्ली पहुंच रही हूँ, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। हुजूर, माता जी फोन पर है। हेलो, द्वारका प्रशांत, लंदन से अभी अभी घर पहुंचा। सरिता है वहां पर? जी हाँ है, लेकिन राकेश के साथ दिल्ली की सैर करने गई है। जी अच्छा अच्छा, जो ही वो आपके पास पहुंचे तो उसे यहाँ भेज दीजिएगा। राकेश को भी साथ भेजिएगा, आप भी साथ आइएगा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। आप समझ गई क्या बातें करनी है? राकेश, कैसा सुहाना मौसम है और कितना खूबसूरत मंजर है। हाँ, लेकिन? लेकिन क्या? बोलो बोलो ना, बोलो। तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितनी खूबसूरत हो, चांद देखे तुम्हें तो जल जाए, मरमरी सी तुम्हारी बाहों पर चांदनी का कदम फिसल जाए। हाय हाय, तुम कितनी खूबसूरत हो। हसीन जुल्फों को रश्क करने लगे घटाएं भी, देख कर इन हसीन जुल्फों को रश्क करने लगे घटाएं भी, तुमको पाकर बहार का मौसम, हाय तुमको पाकर बहार का मौसम प्यार की बेखुदी में ढल जाए। हाय हाय, तुम कितनी खूबसूरत हो।
कोई अनोखी बात नहीं, दिल को अपना बना लिया तुमने, ये तो कोई अनोखी बात नहीं। तुम जो पत्थर पे एक नजर डालो, हाय, तुम जो पत्थर पे एक नजर डालो, वो खुदा की कसम पिघल जाए, हाय हाय, तुम कितनी खूबसूरत हो। हसीन राज हो तुम, मेरा नगमा हो, मेरा साज हो तुम। प्यार की धुन कभी ना बदलेगी, हाय, प्यार की धुन कभी ना बदलेगी, वक्त चाहे बदल बदल जाए, हाय हाय, तुम कितनी खूबसूरत हो। स्टैंड बाय से द्वारका प्रसाद, आज रात के ठीक 12 बजे अपने तमाम कीमती हीरे लेकर मेहरुली के पहाड़ के पीछे देवी के टीले पर पहुंच जाओ। पुलिस को खबर करने का वही हश्र होगा जो तुमसे पहले और भी बेवकूफ इंसानों का हो चुका है। होगा माय गुडनेस, वहां के लोगों को मेहरुली की पहाड़ी और देवी का टीला भी मालूम। देखिए, मेरा तजुर्बा कामयाब हुआ। अब इस मशीन के जरिए हमें मालूम हो गया है कि वहां के लोगों का हमला किस पर होगा। 3, 4, 1 I got your instructions in the office. It's all right. मगर प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? प्रोफेसर? यही कहीं होंगे। I say. Yes. Yes, I'm here. Flying saucer number M4. प्रोफेसर? Yes. ये क्या हो रहा है? मैं वहाँ के लोगों की कुछ आवाज़ें सुन रहा हूँ। अभी अभी उन्होंने कोई नंबर कहा था। आप भी सुनिए। Just listen. Sorry, प्रोफेसर. मेरी ड्यूटी उस तरफ है। क्या आप ये बता सकते हैं मेरे डैडी इस वक्त कहाँ हैं? इस वक्त शेख साहब अपनी कीमती हीरों का बॉक्स लेकर मेहरोली की पहाड़ी के पीछे देवी के टीले पर बैठे वहाँ के लोगों का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ के लोग? मिस्टर पी, टाइम तो हो गया लेकिन वहाँ के लोगों का पता ही नहीं। यहाँ कोई नहीं आएगा प्रोफेसर, इट इज ऑल फ्रॉड। वो धुआं कैसा? एवरीबॉडी रेडी फॉर एक्शन। Thank you.
धुएं से दूर रहो, कोई भी धुएं के नजदीक न जाए। ताज्जुब है कि इन पर घुड़ियों का भी असर नहीं होता। लीजिए, ये है मेरे सभी। ओके बस, ये नकली हीरे हैं। ले चलो इसे। सरिता, डैडी, सरिता, उधर मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, सरिता, डैडी, मिस्टर पी, मुझे इस धुएं का बिल्कुल इल्म नहीं था, वरना मैं इसके लिए जरूर तैयार हो गया था। आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर, मगर मेरा अभी तक यही ख्याल है कि ये सब फ्रॉड। इंस्पेक्टर शर्मा। यस सर। इस वाकये की खबर अखबारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ओके सर। मार्गरेट, लुक हियर, तुम आज ही लंदन जाओगी और वहां से सेठ द्वारका प्रसाद की लड़की सरिता बनकर हिंदुस्तान वापिस आओगी। सरिता बनकर उनके बंगले में रहोगी, राकेश से मिलोगी। मैंने सब पेपर्स तैयार कर लिए हैं। सेठ द्वारका प्रसाद के पुराने नौकर पर को भी रुपए देकर अपनी तरफ मिला लिया है। डरने की कोई बात नहीं। डर तो सिर्फ एक बात का है, मुझे सरिता बनाकर कहीं सरिता को मार्गरेट नहीं बना लेना। नॉटी गर्ल। कम ऑन। मेरा ख्याल है कि आप राकेश। मेरे पिताजी का क्या हुआ? पिताजी का बताता हूं, आइए। सुनती हो चंपा, वो लड़की आई थी ना जो अपने आप को सरिता कहती थी, वो असल में सरिता नहीं थी, सरिता तो अब आई है। क्या बात करते हो माँ जी, देखने में तो बहुत भोली भाली लगती थी। तभी तो हम सबको बना गई। अब मैं सरिता से मिलने सेठ जी के बंगले पर जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। अच्छा, अच्छा। बाबा का तस्वीर है, सरिता मिश्री बाबा का तस्वीर है, सेठ जी ने पिछली दिवाली पर विलास बनवा कर भेजा था लंदन से। मिश्री बाबा अपने साथ ले आइए, और इसमें फोटो है जिसमें। तुम अपना काम करो। क्या ख्याल? ख्याल वही है जो पहले था सर, ये लड़की सरिता नहीं है। ये पोर्ट्रेट, ये फोटोग्राफ, वो पासपोर्ट, ये सब कुछ क्या है? लीजिए, सरिता देवी आ गई। सरिता देवी, आपसे मिलिए मेरे दोस्त श्री प्राणन, और आप हैं इंस्पेक्टर मिस्टर शर्मा, इंस्पेक्टर मिस्टर लतीफ। सेठ साहब के बारे में तफ्तीश के सिलसिले में यह आए। तशरीफ रखिए। हाँ, तशरीफ। आइए माता जी, आइए। मेरी माता जी। माता जी, मैं इस दुनिया में अकेली रह गई माता जी, अब मेरा कोई नहीं रहा। कैसी बातें करती हो बेटी, हमारे होते हुए तुम अकेली कैसे? माता जी। न रो मेरी बच्ची, न रो। देख राकेश, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। सेठ जी होते तो बात और थी, अब तुम दोनों की शादी में देर नहीं होनी चाहिए। चलो बेटी, चलो। मैं कहाँ हूँ?
जमीन से करोड़ों मील दूर आप हमारी फ्लाइंग सॉसर में सफर कर रही हैं। बी रेडी, हमारी फ्लाइंग सॉसर मंगल की सरजमीन पर उतर रही है। चलिए, घबराने की कोई बात नहीं, जैसे आपके जमीन वैसे हमारा मंगल, फर्क सिर्फ इतना है यहां के लोग जमीन के अंदर रहते हैं। चलिए। यहाँ क्यों आई? मुझे कुछ मालूम नहीं डैडी, पहले मुझे इन लोगों ने वहीं कैद रखा और फिर फ्लाइंग सॉसर में बिठा कर यहाँ ले आए। स्टैंड बाय, स्टैंड बाय से द्वारका प्रसाद, तुम्हें अपने हीरे प्यारे हैं या अपनी बेटी की जिंदगी? मुझे अपनी बेटी की जिंदगी के अलावा और कोई चीज प्यारी नहीं। तो ठीक है, अपने असली हीरो का पता बता दो। ओवा। मैं ये नक्शा आपको देता हूं, इसकी मदद से आप असली हीरे हासिल कर लीजिए। ये लीजिए। संभाल के ले जाना, वहां अपना ख्याल रखना, जरा जल्दी लौट आना। और ये ना भूलना कि इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। डोंट वरी, फिकर ना करो।
नंबर 50 इधर कहाँ जा रहे हो? सुना नहीं, फौरन गाड़ी रुको वरना। बॉक्स कहाँ है? लाओ मुझे दो। नंबर 15 सिंडिकेट से ये गद्दारी? गद्दारी नहीं, वफादारी। तो अनिल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मार्गरेट, अपना प्लान कामयाब हुआ। कमाल कर दिया तुमने, बिल्कुल वैसे ही बॉक्स बनाकर नंबर 15 को दे दिया और नंबर 15 ने किस सफाई से उसे बदल दिया कि हीरो का बॉक्स अपने पास और टाइम बॉम्ब का बॉक्स राकेश के हवाई जहाज में। राजन, प्लेन फौरन नीचे उतर सकता है? कम्युनिकेट टू द नियरेस्ट प्लेस। टाइम हो गया, बम फट गया होगा और राकेश हमेशा के लिए खत्म। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। हाँ हाँ ठीक है, ये बात किसी को मालूम नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। मिस्टर लतीफ, राकेश के जहाज को टाइम बम से उड़ा दिया गया और ये टाइम बम जरूर उसी लड़की ने रखा जो अपने आप को सरिता कहती है। गो चेक ऑल द बैरियर्स। यस सर। आप कहाँ तशरीफ लिए जा रही हैं? मेरठ, मैं अपने पति मेजर आत्माराम के पास जा रही हूँ। SA1, follow the car, DLE 235, over. घबराओ नहीं मार्गरेट, तुम्हारा चीफ तुम्हारे साथ चल रहा है। होशियार मार्गरेट, मोटरसाइकिल वाला इंस्पेक्टर शॉर्टकट से तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। स्पीड तेज करो। Turn to the right. Now turn to the left. अगले मोड़ पर गाड़ी से कूदने के लिए तैयार हो जाओ। जंप। थैंक्स, आप जो साथ साथ चल रहे थे मौत भी आ जाती तो अफसोस ना होता। मैं जब साथ साथ चलता हूं तो मौत पास नहीं आ सकती। कम ऑन। चारों भूत चारों शैतान, उल्टी खोपड़ी उल्टा ज्ञान, पकड़ो उसी को जो न माने किसी को। दिए में तेल, तेल में बाती,
कबीर का धन, चित्रगुप्त की पाती। आ आ मैं आ गई महाराज। कौन है तू? मैं सोना महाराज, सोने की देवी सोना। हमें सोना नहीं चाहिए, हम साधु हैं, मोह माया से परे। महाराज आपको सोना नहीं चाहिए, संसार को तो चाहिए। लेकिन हम संसारी नहीं हैं, जा चले जा। महाराज देवी को बुला लो ना, मैं संसारी आदमी हूँ, मुझे सोना चाहिए। कौन है मैं तू? मैं यहाँ का पहरेदार हूँ, मुझे एक सोने की डली चाहिए। डली? किंतु सोने की देवी चली गई गुरुदेव। लेकिन डली लेकिन नहीं जा सकती। आओ लो बच्चा। महाराज जय हो, धन्य हो। तजर्बा कामयाब हुआ, सुपर मीजर रे तैयार हो गई। हाइड्रोजन बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक, अब इसके सामने सारी दुनिया सर झुकाने को मजबूर हो जाएगी। सर वहां के लोग बात करना चाहते हैं। जी चलो उन्हें भी कामयाबी की खबर सुना दी। कमान अनिल चक्रवर्ती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, सुपर मीजर ने तैयार हो गई। वेरी गुड, हम भी आखिरी हमले के लिए तैयार हैं। हमले की तारीख 5 अक्टूबर, वक्त दोपहर के 12 बजे। इतनी जल्दबाजी से काम न लीजिए, 5 अक्टूबर तक तो सुपर मीजर ए का मुश्किल से एक ही यूनिट तैयार हो पाएगा। उस एक यूनिट का असर क्या होगा? टारगेट के 1000 मील के एरिया में कोई जिंदा नहीं बचेगा, और उसके बाद अगले 1000 मील के घेरे में रहने वाले हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगे। बस तुम्हारे मुल्क में बदमनी फैलाने के लिए इतना काफी है, फिर फौरन ही हमारा हमला शुरू हो जाएगा। ये ठीक है, लेकिन हम फैसला कर चुके हैं। ओवर। सोफिया तुम फौरन नाखनों के जरिए वहाँ के लोगों के हमले की तारीख और वक्त अपने सिंडिकेट के तमाम मेंबरों को पहुँचा दो, ताकि वो सब तैयार हो जाए। सर क्या आप सुपर मीजर रे का सचमुच इस्तेमाल करने वाले हैं? क्यों? करोड़ों बेगुनाह मारे जाएंगे, बच्चे बूढ़े औरतें। तो क्या हुआ, जानती हो आबादी कितनी बढ़ गई है, इस तरह दुनिया का बोझ हल्का हो जाएगा। सोफिया दुनिया असल में फालतू लोगों से भर गई है। फालतू? बिल्कुल, इस दुनिया में 80% इंसान ऐसे हैं जो भेड़ बकरियों की तरह जगह घेरने और खा पी कर अनाज जाया करने के सिवा कुछ नहीं करते। उनको खत्म हो जाना चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। महाराज हम पे दया कीजिए। क्यों? वो सोना देवी को बुला लीजिए। अच्छा तो फिर दूसरी टांग दबाओ। अपने जिंदगी भर में टांग दबाते रहूंगा। अच्छा कौन है ये लोग? मैडम ये लोग सच्चे साधु लोग हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ गैर आदमी आकर जिंदा वापस नहीं जाता? चिंता मत करो कन्या, हम खुद जा रहे हैं, उठो बच्चा। ठहरो, आइंदा इस जजीरे पे कदम रखा कि जिंदा वापस नहीं जाओगे, समझे? तुम जाओ अपने ड्यूटी पर। हम भी चले अपनी ड्यूटी पर, चलो बच्चा उठो। इस नाखून पर मैसेज जरूर है, लेकिन है कोड लैंग्वेज। नाखून मैं लेकर आ गया, कोड का पता लगा लीजिए। मिस्टर गोम्स? यस सर। प्लीज सेंड इट टू द डिकोडिंग डिपार्टमेंट। ओके सर। स्टैंड बाय से द्वारका प्रसाद एंड मिस सरिता। द्वारका प्रसाद, हम आज तुम्हारे बेटी को वापस जमीन पर भेज रहे हैं। फॉर डैडी? वक्त आने पर उन्हें भी भेज दिया जाएगा। लेकिन ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स ओवर। मैं डैडी के बगैर नहीं जाऊंगी। डैडी ये क्या कर रहे हैं आप? देखती जाओ। इसे कहाँ भेजा? मार्गरेट, मेरा ख्याल है कि राकेश अभी तक जिंदा है, इसीलिए मैंने ऐसी चाल चली है कि अगर वो जिंदा है तो जरूर सामने आएगा। स्टैंड बाय।
स्टैंड बाय मिस सरिता। आज से द्वारका प्रसाद ने अपने उन हीरों के बारे में जो उन्होंने लंदन, न्यूयॉर्क और स्विट्जरलैंड में कहीं छुपा रखे हैं, कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्हें भी वहां पहुंचा दिया गया जहां राकेश को पहुंचाया गया था। सबर से काम लो मिसी बाबा। अब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं रहा, फिर मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? ऐसे ना बोलो मिसी बाबा, ऐसे ना बोलो। तुम मुझे क्या करने जा रही थी? कुछ नहीं,
कुछ नहीं राकेश, तुम जिंदा हो, मुझे नई जिंदगी मिल गई। लेकिन राकेश, ये सब हुआ कैसे? सरिता, उन लोगों ने मेरे जहाज में टाइम बम रख दिया और मुझे पता चलते ही मैंने उसका फ्यूज निकाल कर उसे बेकार कर दिया और ग्राउंड कंट्रोल से बात करके मेडिकल कॉलेज से दो लाशें मंगवाई। दो लाशें? हाँ, और रेगिस्तान में जहाज भिजवा कर उसमें दोनों लाशें रख दी और बम से जहाज उड़ा दिया। लेकिन आखिर वो लोग हैं कौन जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े? अनिल और उसके साथी। अनिल? अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे, मगर वादा करो कि ख्वाब में भी तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, ताकि अनिल यही सोचता रहे कि मैं मर चुका हूँ। और अब आप भी यही समझ लीजिए कि आप मर चुके हैं। अनिल का भेद जानने वाला कभी जिंदा नहीं रहता। I said move. अरे भाई ये क्या कर रहे हो? कुछ दिखाई देता है? कुछ तो नहीं। इस शीशे से देखो। ये तो मोती जैसा चमक रहा है। ये मोती नहीं है, अपने की जो ब्लूबर्ड है ना, उन्होंने गाड़ी में एक दवाई की शीशी फिट कर रखी। अच्छा? है उसकी ये बूंदें गिरती जाती हैं और इस शीशे से दिखाई देती हैं। इसके जरिए हम उनकी गाड़ी का पीछा कर लेंगे। तो भाई जल्दी चलो, जल्दी तो देर में। कल दोपहर को 12 बजे से सारी दुनिया पर वहाँ के लोगों की हुकूमत शुरू होगी, तब तक हमें आपकी जरूरत है। अगर तुमने कोऑपरेट किया तो आराम की मौत मरोगे। सर, नाखून का मैसेज डिकोड हो गया। व्हाट्स इट? लिखा है 5 अक्टूबर दिन के 12 बजे आखिरी हमला, वहाँ के लोग। महाराज दिया कीजिएगा। महाराज गुरुदेव, इस बालक ने जान पर खेल कर आपकी सेवा की है, इस पर अवश्य दया कीजिए। जरूर दया करेंगे, इसलिए कि हम बहुत खुश हैं। बच्चा, आम के पेड़ के नीचे जो सोने की कान है वो इसको बता दो। सोना देवी खुद इसको बताएंगी कि कितना खोदना पड़ेगा और कितना सोना निकलेगा। जाओ, तुम भी जाओ बच्चा, जल्दी जाओ। जय हो महाराज, जय हो, जय हो। अबे तू भी जाना टेप लेके, चल। हाँ बालक, यही है वह स्थान जो गुरुदेव ने बताया। अच्छा, तुम यहाँ खोदो, देवी तुम्हारी सहायता करेगी। महाराज, हरिदास ये कहाँ जा रही है? इसका पीछा करना चाहिए। आ जाओ मेरे साथ। सूरदास, तुम ये सामान पकड़ो और चल जाओ किसी झाड़ पे। हरिदास तुम आ जाओ। चलिए। अच्छा, तो ये है खुफिया रास्ता। आ जाओ। अरे वाह, बाहर जंगल अंदर मंगल, कमाल कर दिया सालों ने। निपटा रही है। देवी जी, आपने कहा था 10 हाथ खोद दिए, मैं 12 हाथ तक खोद चुका हूँ। और खोदो। अबे ये स्वामी जी बर्दाश्त है, ये टेप बज रहा है इधर। और खोदो। टेप बज रहा है। योर रीडिंग प्रोफेसर बोस, मिस्टर बोस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बोस? यस, रीडिंग, मैं रीडिंग। प्रोफेसर बोस, आपको चीफ ने याद किया है। चीफ ने क्या अच्छे टाइम पे याद किया है। आओ
तरफ तो कोई भी नहीं है। अब चीफ को कहाँ ढूंढ रहे हैं? अबे चीफ को ढूंढ के मरने का है क्या? अपने को तो राकेश और सरिता को ढूंढना है। आजा। एक गुरु था, दो चले थे, लेकिन तीनों साधु बने हुए थे। वो बच के नहीं जा सकता। अगर वो बचकर चले गए तो तुम भी नहीं बचोगे। सॉरी प्रोफेसर, एक प्रोफेसर बोस बना हुआ है और एक उसका असिस्टेंट, समझ गए ना? तुम हर कमरे के अंदर तलाश करो, मैं हॉल की तरफ जाता हूँ। ओके सर। जिंदगी की घड़ियां खत्म हो चुकी है। हमारी चीफ ने आप दोनों पर बड़ी मेहरबानी की है, इसलिए आप दोनों की मौत गैस चैंबर में होगी। आप दोनों मेरे साथ आइए। क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, होने वाला है। आ जाओ। लाना मास्टर की। वो है गैस चैंबर। तीसरा कहाँ है? तीनों तो है बड़े भाई, एक दो तीन। शट अप! तुम्हारी मौत गैस से नहीं, बिजली के करंट से होगी। करंट से? क्यों? बांधो इन्हें कुर्सियों से। ओह नहीं। अरे बुद्धू भी करता है मोटे। मैं कृष्णर को भेजता हूँ। किसको? किसको भेजते जा रहे हैं? इसका मतलब ये कि वो दोनों खत्म? हाँ, अब तुम्हारी बारी है। तुम जा सकते हो। राकेश और सरिता को छुड़ाने आए थे? जी हाँ। जी नहीं। अबे उस नाखून को पुलिस के हवाले कर दिया था? नाखून? कौन सा नाखून? अच्छा वो नाखून, पहले ये बताइए, हाँ कहने से जान बचेगी या ना कहने से? सच कहने से। पहुंचा दिया था, अब हाथ तो हटा लो वहां से बहन जी। डरो मत, मैंने तुम्हें उसी वक्त पहचान लिया था और वो नाखून मैंने जानबूझकर गिराया था ताकि तुम उसे पुलिस तक पहुंचा दो। अरे वाह, आप तो भेड़िए की खाल में भेड़ निकली। आपकी बातचीत हो चुकी है, अब आप फौरन तहसील बाहर ले जाइए। लेकिन सॉरी मैडम, चीफ का हुक्म है, इन्हें फौरन खत्म करना है। चीफ को मालूम हो गया। शेरा, मैंने कभी ऐसा हुक्म नहीं दिया कि राकेश और सरिता को गैस चैंबर में ले जाया जाए, और अगर सोफिया उनको लेकर गई है तो मार्गरेट यकीनन वो उनसे मिल गई है। जहां तलाश करो, जहां भी होती ना, मैंने फौरन खत्म कर दो। आउट यू गो, कम ऑन। स्टॉप। कौन है ये? उन बदमाशों की लाशें हैं जो शैतान बने हुए थे। टेक देम अवे, बर्न देम। यस सर। वेरी स्ट्रेंज, आखिर सोफिया राकेश और सरिता को कहां ले गई और वो खुद कहां गायब हो गई? कम ऑन, लेट्स सर्च। जल्दी खोलो। अब यहां से कहां जाएंगे? थैंक यू जेंटलमैन, अब आप लोग स्ट्रेचर ले जाइए। हाँ, तुम लोग मेरे साथ आओ। थैंक गॉड, बाहर कोई भी नहीं। लेकिन जाएंगे कैसे? रास्ता तो बंद है। घबराओ नहीं। Thank you.
चलिए जल्दी यहाँ से निकल जाइए, मैं बाद में आपकी मदद करती हूँ। सुनो तुम लोग यही ठहरो मगर होशियार से चलो। अबे वो सूरदास के कपड़े कहाँ हैं? ये क्या है कपड़े, मगर सूरदास है कहाँ? अबे वो पेड़ पे बैठा है, चल। पेड़ पर? फ्लाइंग सॉसर, इसी में बिठाकर मुझे मंगल सितारे पे ले गए थे। मेरा ख्याल बिल्कुल सही निकला। क्या? असल में ये जेट हवाई जहाज है जिसे अनिल ने फ्लाइंग सॉसर की शक्ल देकर सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया। क्या दिमाग पाया है कमबख्त ने? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनिल एक बहुत बड़ा जासूस है, अब ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि इसमें एक बहुत बड़े दुश्मन मुल्क की साजिश है जो हमारी हुकूमत का तख्त बनाना चाहता है। उन्हें पता चल गया, हरी आप। फिर मंगल पर क्यों ले आए? शेर साहब ये मंगल नहीं बंबई है। बंबई? जी हाँ, आइए मेरे साथ। बंबई के पास अनिल का एक जजीरा है। स्टैंड बाय मिस्टर राकेश, हम सब कुछ देख रहे हैं। राकेश डरो मत, ये तो सिर्फ टेलीविजन है। और मैं क्या हूं मिस्टर राकेश? माय गुडनेस, ये भी टेलीविजन है। नॉट ए बैड शॉट, ट्राई अगेन। परेशानी क्या है? गो अहेड, गिव हिम द गन, गिव हिम। सेठ साहब को बंद कर दो और आप फिर लेबोरेटरी में तशरीफ ले आइए, मैं वहीं मिलूंगा। के दस्ताने और ये स्पेस सूट, अरे तो इसे पहनकर ही यहाँ के लोग वहां के लोग बन जाते हैं। ओ इस्ते, तुम भी वहां के लोग बन जाओ। चलो उतारो कपड़े जल्दी जल्दी। आ जल्दी से स्पेस सूट पहनकर आखिरी हमले की तैयारी करो, चीफ का ऑर्डर है। नंबर याद है ना? नौ दो ग्यारह। ये तो हमारा नंबर है। ए, चीफ कार्ड रहे, नंबर वही रहेगा, आदमी बदली हो जाएगा। नौ नौ ग्यारह, हटो बैठे। दादा खोलो। लिख चुके, आप दस्तखत कर दीजिए। माचिस जलाओ। वेरी गुड, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप जो कुछ खुफिया से ऐसे लिखते हैं वो आपका असली मैसेज समझा जाता है। मार्गरेट, अब ये मैसेज इनसे खुफिया से ऐसे लिखवा और एक और मैसेज जो हमारा मैसेज समझा जाएगा आम से ऐसे लिखवा, समझ गए? ब्यूटीफुल, फॉर योर इंफॉर्मेशन इसके अंदर एक छोटा सा माइक्रो ट्रांसमीटर फिट, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं यहाँ सुन लूंगा और अगर इसको निकालने की कोशिश की तब भी मुझे मालूम हो जाएगा। लेकिन आप मुझे भेज कहाँ रहे हैं? मेरे साथ आओ, लीजिए। थैंक यू राकेश।
राकेश की जिंदगी अब आपके हाथों में है सरिता। आप पुलिस हेडक्वार्टर से आइए और ये लेटर मिस्टर पी को दीजिए। नो, काम डाउन। और साथ में ये भी कहिए कि असली मैसेज खुफिया स्याही से लिखी हुई है, और अगर आप 12 बजे तक ये काम करके नहीं लौटें तो ये स्विच ऑन होते ही राकेश जलकर राख का ढेर हो जाएगा। ठीक है सरिता, तुम्हें मालूम है ना क्या कहना है? तुम मेरी परवाह मत करना, मुल्क के सामने मेरी जान की कोई कीमत नहीं। राकेश, तुम बहुत बड़े आदमी हो, अपने मुल्क के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हो, लेकिन मैं एक कमजोर लड़की हूँ जिसका तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। नहीं सरिता, नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ राकेश, मैं सिर्फ तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हें। Noble sentiments, my dear. You can go now. सरिता महाराज, ऐसा अनिल की शरारत है, ऐ चिट्ठी पिस्तौल दिखा के लिखाई गई है। What do you say, Miss Sarita? जी यही बात है, फिर भी राकेश ने अनिल की नजर बचाकर असली मैसेज खुफिया स्याही में लिख दिया है, आप उसे पढ़ लीजिए। खुफिया स्याही? मैं जानता हूं, ये है असली मैसेज। वहां के लोग मंगल के नहीं, यही के हैं। ये सब अनिल का फ्रॉड है। आप तमाम मिलिट्री और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को दीनापुर बेस पर जमा कीजिए और मेरे दूसरे मैसेज का इंतजार कीजिए। राकेश, दिस इज करेक्ट मैसेज। अच्छा जी, अब मैं जा रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। फौरन राकेश से जाकर कहिए कि हमारे तमाम मिलिट्री ऑफिसर्स दीनापुर में उनके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी। असली मैसेज इस नाखून पर। वेरी वेल। ठीक 12 बजे दीनापुर पर वहां के लोगों का हमला होगा, और यहां 12 बजे इस ऑटोमेटिक स्विच से आप लोग जमकर खाक हो जाएंगे। घड़ी सामने लगी है ताकि जिंदगी की घड़ियां गिन सको। कम ऑन। स्पेसमैन। डोंट बी अफ्रेड, गो। नहीं करना था। अरे ये लोग हिंदी भी बोलता है। हम सब जबान जानते हैं, काम करो। तुम इधर क्या करते हैं? अंदर दो बहुत बड़े जासूस बंद हैं, एक लड़का और एक लड़की। पिस्तौल इधर लाओ और तुम इधर से जाओ, ठीक 12 बजे आना दोनों का लाश लेने के वास्ते। जाओ। बहुत अच्छा, आओ। डरो मत, ब्लू बर्ड प्राइवेट डिटेक्टिव। अरे पहले ये स्विच ऑफ कर। कौन सा? जी ये काला सा। चलो लग जा जल्दी से, खोलो। ऑल सेट अकॉर्डिंग टू द प्लान। ठीक 12 बजे दीनापुर पर हमला शुरू हो जाएगा। ठीक है, दीनापुर के खत्म होते ही हम अपना हमला शुरू कर देंगे। ओवर। सर, दीनापुर बिल्कुल खाली करवा दिया गया है ताकि हमले की सूरत में हमारा कोई नुकसान ना हो। गुड। देखो ये बात अपने तमाम पायलट्स को अच्छी तरह से समझा दो कि फ्लाइंग सॉसर्स जेट हवाई जहाज है। ओके सर। अनिल अकेला इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकता, उसे जरूर किसी दुश्मन मुल्क की मदद हासिल है। ये रहा टारगेट। करेक्ट सर। फ्लाइंग सॉसर नंबर M4 सुपर मिसाइल यूनिट के साथ अटैक। बॉम्बर कमांड एंड फाइटर्स स्क्वाड्रन टेक ऑफ। Flying saucers, number 6, 7, 8. Flying saucer M4 को कवर दो। Flying
वापस आ रहा हूं। ओवर। सब खत्म हो गया, लेकिन कौन है जिम्मेदार इस खात्मे का? सर, क्या वो दोनों भाग गया? कॉमरेड्स, हमारा प्लान फेल हो गया। सुपर मेजर रे का यूनिट खत्म हो गया। आप फौरन हमला शुरू कर दीजिए। अब हम हमला नहीं करेंगे। क्यों? अगर दीनापुर में उनके सब ऑफिसर्स खत्म हो जाते तो हमला करते। हमने अपनी फौज को वापस लौटने का हुक्म दे दिया है। अगर तुम हमारे मुल्क में आना चाहो तो आ सकते हो। ओवर। मिलिट्री एक्शन शुरू हो गया, आओ मेरे साथ। बम्बार्डमेंट शुरू हो गया। साइंटिस्ट यूनिट नंबर एक, मीजर रे क्षेत्र में चले जाओ। जिंदगी का ख्वाब अधूरा रह गया। बहादुरों की तरह सामने आकर मेरी गोली का निशाना बनो, वरना 10 मिनट में लेबोरेटरी उड़ जाएगी। लेकिन गोली उसे जरूर लगी है। ठीक है, मगर हमें यहां से फौरन निकल जाना चाहिए, वरना इस लेबोरेटरी के साथ हम भी उड़ जाएंगे। चल। ऐसी बमबारी के टाइम कहां जा रहे हैं आप? शायद चीफ कार्ड है। आप यहां? मिस्टर पी ने मुझे भेजा है तुम दोनों को लेने के लिए। जल्दी आओ मेरे साथ, आइए। लेकिन इसमें? हाँ, अभी हमारे कब्जे में, मैं इसी में आया हूँ। हमारा पायलट इसे चला रहा है। आइए क्विक। अरे बड़े भाई तो उड़ गए। चुप। मुझे अफसोस है प्रोफेसर, आपका बेटा अनिल मेरी गोली का शिकार हो गया। शिकार नहीं हुआ, सिर्फ जख्मी हुआ है। अनिल? अनिल के रास्ते में आने वाला कभी जिंदा नहीं बच सकता।
मैंने डैडी को उसी दिन खत्म कर दिया था जब वो फोन पर तुम्हें बुला रहे थे, और तुम्हारे पहुंचने तक मैं भेस बदल का प्रोफेसर बन चुका था और तुम्हारे साथ लगा रहा ताकि तुम्हारे सारे प्लान मालूम कर सकूं। लेकिन हार तुम्हारी हुई। मेरी हार कभी नहीं हो सकती। पड़ोसी मुल्क में मेरे करोड़ों रुपए के हीरे जमा है जो मैंने इसी मुल्क से उड़ाए थे। वहां की हुकूमत मेरे साथ है, वहां के लोग मेरे साथ हैं। अब तुम्हें खत्म करने के बाद हिंदुस्तान की सरहद पार करके मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ जिन्हें यहाँ के बेवकूफ इंसान मंगल के लोग समझते हैं। मैं वहां पहुंचकर मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश? अपनी माँ को दो अल्फाज लिखना चाहता हूँ। जल्दी करो। राकेश, राकेश। अब तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? ख्वाहिश नहीं, शिकायत। फालतू आदमी जिंदा रहते हैं और काबिल काबिल मर जाते हैं। हवाई जहाज को वापस अपने बेस पर उतारो। क्विक, आई विल शूट यू। राकेश जिंदा है। कौन है? राकेश। वेल डन मिस्टर राकेश, वेल डन। राकेश जिंदाबाद, जिंदाबाद राकेश। दोस्त कहिए, मातृवतन जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। Thank you.